राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ अब आंदोलन की राह पर। 3600 रुपये ग्रेड पे सहित अन्य सात सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ ने आंदोलन छेड़ दिया है। कल पहले चरण में सूचना सहायकों और सूचना प्रोग्रामर ने ऑफिशियल व्हाट्सएप छोड़कर काली पट्टी बांधते हुए जताया विरोध। प्रदेश स्तरीय कंप्यूटर कर्मचारी संघ द्वारा वादा खिलाफी का आरोप लगाकर आंदोलन का किया गया है ऐलान। कल जायल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राजीव गांधी सूचना केंद्र के सामने भी किया गया प्रदर्शन। समझौता हुआ था, समझौते में हमारी सात सूत्री मांगी थी। प्रमुख मांग ये थी कि सभी सूचना सहायकों का ग्रेड पे 3600 किया जाए और सहायक प्रोग्रामर का 3600 किया जाए। सरकार ने हमारे साथ किए गए वादे से खिलाफी की, इसलिए हम वादा खिलाफी आंदोलन कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम जयपुर में भी माफ पड़ाव करेंगे। हमारा ये निश्चय। मेहता सिटी पुलिस ने बजरी रॉयल्टी नाका पर हमला कर कार्मिकों के साथ मारपीट, अपहरण, आगजनी और तोड़फोड़ करने के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को जिला सीकर से गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त वाहन दो बोलेरो कैंपर भी की जब्त। आरोपियों ने बीते 9 सितंबर को रात्रि के समय धनेरिया जसनगर में स्थित बजरी रॉयल्टी नाका पर हमला कर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए अपहरण कर वाहन समेत अन्य सामान की थी तोड़फोड़। मेहता सिटी पुलिस ने साइबर सेल और DST की टीम की सहायता से कार्रवाई को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी दीनाराम जाट निवासी बड़ायली, अशोक कुमार निवासी बड़ायली तथा ओम प्रकाश निवासी गेमलियावास को किया गिरफ्तार। नागौर शहरी क्षेत्र में मनमाने तरीके से लगाए जा रहे हैं नए जल कनेक्शन, इससे आम उपभोक्ताओं को हो रही है परेशानी। पहले से ही शहर में है पानी का भारी संकट, ऐसे में अब नई पाइपलाइन में भी आवाजाही बाधित करते हुए अवैध कनेक्शन देने से दिल्ली दरवाज़ा जैसे इलाके में भी सड़कों पर पानी बेकार बह रहा है। इससे खामियाजा अन्य उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। पाइपलाइन में लीकेज होने से कई घरों में नहीं पहुंच पा रहा है पानी, वहीं गंदा पानी होने से भी पीने लायक नहीं बचता। वाटर सप्लाई के लिए नगर परिषद प्रशासन और जलदाय विभाग की ओर से इसके लिए नहीं उठाए जा रहे हैं ठोस कदम, इसे लेकर शहरवासियों में है रोष। कुनकुना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी थे गुजरात भागने की फिराक में, पुलिस ने बेगसर फांटा से किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों ने बीते 9 सितंबर को पीड़िता के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म। अब व्रत कार्यालय डीडवाना तथा खुनकुना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुए गिरफ्तार। आरोपियों ने बीते 9 सितंबर को एक महिला को अपने साथ बुलाकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी बनवारी बावरी और महिपाल निवासी डसाना को अब कर लिया है गिरफ्तार। डीडवाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल को भी किया जब्त। आरोपियों द्वारा बीते 14 सितंबर को रेलवे स्टेशन डीडवाना से की गई थी मोटरसाइकिल की चोरी। प्रार्थी मुमताज द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज एवं अन्य आसूचना संकलन के आधार पर आरोपी तारिक निवासी अमरपुरा तथा लियाकत खान निवासी डीडवाना को किया गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनवालिया की अध्यक्षता में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक तथा जिला स्तरीय सुनवाई का हुआ आयोजन। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने, बकाया भुगतान दिलाने, सरकारी जमीन को गलत तरीके से खुर्द-बुर्द करने के प्रकरण, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, सीमा ज्ञान कराने सहित कई शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को निर्देशानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए किया पाबंद। ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में बालिका खो खो वर्ग में विजेता टीम रही निम्बोला बिस्वा का कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनेडिया आगमन पर तिलक लगाकर माला पहनाते हुए किया गया सम्मान। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश बुगालिया ने बताया कि कड़े मुकाबले में 2-0 से ग्राम पंचायत गोल की टीम को हराकर निम्बोला बिस्वा की टीम ने जिला लेवल टूर्नामेंट में दावेदारी की है प्रस्तुत।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा संचालित निस्वार्थ सड़क गो सेवा रथ से प्रभावित होकर लिफ्ट की भेंट। पत्रकार श्याम माथुर द्वारा घायल गोवंश को उठाने के लिए निस्वार्थ गो सेवा रथ को लिफ्ट की गई है भेंट। लिफ्ट के शुभारंभ के अवसर पर महेश्वरी महिला संगठन की पूर्व अध्यक्ष नीलू खड़ोलिया सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने मंत्रोच्चार एवं पूजा के साथ किया शुभारंभ। हमें टाक द्वारा चलाई जा रही है, सबके सहयोग से चलाई जा रही है। वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया मुहिम है और उस कड़ी में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अच्छी है, सिर्फ सड़कों पे जो गए हैं उनके लिए, ना कि गौशाला के लिए। आज हमें ये लिफ्ट की जो ये सुविधा मिली है श्याम जी माथुर जो पत्रकार है उनकी तरफ से, तो ये इसमें चिकित्सा के रूप में घायल जो गाय सड़कों पर रहेगी उनको लिफ्ट के द्वारा उठा के चिकित्सालय जो गौशाला है वहाँ जो इनकी सेवा हो सकती है वहाँ पे उनको, जो भी पीड़ित गोवंश है उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी लंबी बीमारी से पीड़ित है उसको वहाँ से उठाकर उसका। और मैं गोवंश के लिए जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए हेमंत भैया और श्याम जी को धन्यवाद दूंगी और शहरवासियों से आग्रह करूंगी कि ऐसे ही कार्य के लिए आप लोग आगे बढ़ें ताकि लंबी से जो पीड़ित गाय हैं उनका इलाज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना जरूरी है। नामाखंड के निकटवर्ती ग्राम गोविंदी धूतों की ढाणी क्षेत्र में कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर मोहन राम, कृषि अधिकारी वीरेंद्र सिंह, सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र ढाका एवं कृषि पर्यवेक्षक अनीता द्वारा किसानों को कृषि एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म सिंचाई योजना, कृषि यंत्रों, पाइपलाइन, फॉर्म पोंड के लिए दी गई आवश्यक जानकारी। रोटरी क्लब नागौर द्वारा जिला मुख्यालय स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए 4 क्लासरूम बोर्ड, 1 एयर कंडीशनर किया गया भेंट। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन मोहम्मद इकबाल, सचिव पीएम बेनीवाल, निदेशक पवन काला का इसमें रहा विशेष योगदान। डीरवाना के प्रधान डाकघर में डाकघर की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक विशेष शिविर का रखा गया आयोजन। नगरपालिका चेयरमैन रचना होलानी ने किया शिविर का शुभारंभ। शिविर के तहत डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं, जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, टाटा द्वारा एडिशनल एक्सीडेंटल बीमा सहित कई सेवाओं से जुड़ी दी गई जानकारियां। राजस्थान में आज 16 सितंबर को विशेष फ्यूजन कैंप को अवैध मेला बोलते हैं किया गया था और ये यह है News 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।